बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपका किचन में आसिया में। तो आज मैं आपके लिए बहुत इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले लिया है चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 सिनेमन स्टिक ले ली है यानी कि दालचीनी। इसके अलावा 1/2 kg पोटैटोस और 1 kg इसमें जाएगी पालक, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। आलूओं को आपने काट लेना है। और मैं आपको हमेशा क्विक सी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ, तो टमाटर, प्याज और जो है ना हरी मिर्चों को हमने लहदा लहदा पीस लेना है चॉपर में डाल के, यानी कि टमाटर और मिर्चों की लहदा पेस्ट बनानी है और प्याज़ों को आपने लहदा फ्राई करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 कप के करीब आपने घी डालना है और प्याज को हल्का सा सोते करना है, कलर नहीं लाना जी। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। चलिए हल्का सा इसको स्टर फ्राई किया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और मिर्चों का पेस्ट और इसको अच्छा सा भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको अच्छा सा भूनते जाएंगे जी। तो यहाँ पे देखें कि मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। चलें आलूओं को हल्का सा भून लेना है, उसके बाद हम पालक डालेंगे। पालक को हल्का सा हमने स्टेयर फ्राई करना है और अब हमने क्या करना है कि 1 गिलास के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। मेरा गिलास थोड़ा बड़ा था, जो नॉर्मल साइज होता है उसका 1 गिलास आपने डाल देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके आपने इसको पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करते रहना है। जी तो देखें अभी जो है ना पानी इसमें काफ़ी है। जी तो यहाँ पे आलू पालक बनके बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।